वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 15 एम को डिटेल में सॉल्व करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस का आपके पास नोटिफिकेशन आए अगर आपने बायोलॉजी के लेक्चर वन के एम नहीं देखे तो उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में देता हूँ आपने वो ज़रूर देखने हैं क्वेश्चन नंबर वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड क्या है एन टू ओ एक गैस है उसके बारे में ये जो ऑप्शंस गिवन हैं कौन कौन सी बातें सच हैं ऑप्शन ए है लाफिंग गैस ऑप्शन बी है ग्रीन हाउस गैस ऑप्शन सी है कलरलेस गैस ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज तो इस सवाल का सही ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दीज नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस भी कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स एक सवाल आता है कि विच गैस इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड अगर नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला पूछें तो इट इज़ एन टू ओ नाइट्रस डाई से कंफ्यूज नहीं होना एन ओ टू दैट इज डिफरेंट गैस तो जो लाफिंग गैस या नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है दैट इज एन टू ओ अब आते हैं कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है ऐसी गैसेस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रीब्यूट करती हैं उनको हम क्या कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई मीथेन हो गई या नाइट्रोस ऑक्साइड हो गई अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है एक्चुअली होता क्या है ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये क्या करती हैं जो सन की तरफ से रेज या हीट आती हैं उनको ट्रैप करती हैं और उनको वापस एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देती जिसकी वजह से क्या होता है ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है और इस अमल को हम क्या कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये भी ग्रीन हाउस गैसेस की मकदार ज़्यादा होने की वजह से है क्वेश्चन नंबर टू है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑप्शन ए सोडियम जिसकी सिंबल है एन ए अच्छा जितने भी एलिमेंट्स हैं जितने मशहूर एलिमेंट्स जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं उनका आपने सिंबल एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर ये याद रखने हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं तो सोडियम की जो सिंबल है वो क्या है एन ए ऑप्शन बी है क्लोरीन और क्लोरीन के सिंबल है सी एल ऑप्शन सी है सिलिकॉन ऑप्शन डी है पोटाशियम और जो पोटाशियम की सिंबल है दैट इज के तो इस सवाल का सही ऑप्शन है बी क्लोरीन ये जो ऑप्शंस गिवन हैं इनमें क्लोरीन को हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अब आते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कुवत है किसी भी एलिमेंट की टू तो अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स एज एज यू you नो know, कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऐसा एलिमेंट जिसके पास टेंडेंसी हो ज़्यादा कुवत हो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रो और जितने भी पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरिन और जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या जिसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलेंगे दैट इज फ्रांसीसियम और जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है दैट इज थ्री पॉइंट नाइन एट अगर राउंड ऑफ करेंगे तो वो फोर होगी क्वेश्चन नंबर थ्री है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन ए है एच सी एल एच सी एल इज द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बी है एच टू एच ओ फोर तो इस सवाल का सही ऑप्शन है एच टू एस ओ फोर इज द केमिकल फार्मूला फॉर सल्फुर एसिड और ये जो एच एन ओ थ्री है इट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड जो ऑप्शन डी है सी एच थ्री सी डबल ओ एच इट इज द केमिकल फार्मूला फॉर एसिटिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट ये चारों आपने जरूर भी याद रखने हैं क्वेश्चन नंबर फोर है कि इन ए रिडॉक्स रिएक्शन विच स्पीशीज इज ऑक्सीडाइज्ड ऑप्शन ए है द रिड्यूसिंग एजेंट बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सी बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड डी बोथ आर रिड्यूस्ड सबसे पहले समझते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्या बेसिकली जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये शॉर्ट फॉर्म है किसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का अब ऑक्सीडेशन क्या है रिडक्शन क्या है एज यू नो के केमिकल रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स होते हैं दो सबिस्टें जो आपस में रिएक्ट करके कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं उनमें क्या होता है जब ये केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स अब एक रिएक्टेंट क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है गेन करता है ऐसा अमल जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है लॉस होता है उस अमल को हम क्या कहते हैं या उस रिएक्शन को क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन और ऐसा अमल जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है अकुमलेट होता है तो ऐसे रिएक्शन या अमल को हम क्या कहते हैं रिडक्शन अच्छा द सबिस्टेंस गेटिंग रिड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज दबिस्टेंस जो क्या हुआ रिड्यूस हुआ अब रिड्यूस क्या क्या मकसद है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ऐसे को हम क्या कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऐसा सब्सटेंस दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज मतलब उस पर क्या हुए ऑक्सीडेशन उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ऐसे को हम क्या कहेंगे द रिड्यूसिंग एजेंट अब आते हैं सवाल पे कि इन पेडॉक्स रिएक्शन विच तो ऑप्शन ए द रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड क्वेश्चन नंबर फाइव है ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस। ऑप्शन ए नियॉन फ्लोरिन सोडियम फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर वन या टू में मैंने आपको बताया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सिंबल्स आपने याद रखनी है तो सोडियम पहले भी आ चुका है बाकी ये है नियॉन फास्फोरस और फ्लोरिन इनकी सिंबल्स आपने एनी हाउ याद रखनी है अब आते हैं कि नोबल गैसेस क्या हैं ऐसी गैसेस जो नॉर्मल कंडीशंस पर केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो उनको हम क्या कहते हैं नोबल गैसेस क्योंकि जो उनका आउटर मोस्ट सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं अच्छा एक सवाल आता है कि नोबल गैसेज आर आल्सो नॉन एज तो नोबल गैसेज को हम क्या कहते हैं इनर्ट गैसेज भी कहते हैं तो ये जो छह गैसेस हैं हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ीनॉन एंड रेडन। ये क्या हैं नोबल गैसेस इस सवाल का सही ऑप्शन है ए नियॉन इज ए नोबल गैस क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर अब वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है H2O अब आते हैं कि मोलर मास क्या है मोलर मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट डिस्क्राइब द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस मोलर मास क्या होता है टोटल मास ऑफ द वन मोल ऑफ एनी सब अब अब ये, ये कैलकुलेट किस तरह होता है एक मोल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके मासेस को हम क्या करते हैं जमा करते हैं तो उसका एक मोल का क्या मोलर मास मिल जाता है पानी का जो केमिकल फार्मूला है दैट इज एच टू ओ उसमें दो एटम्स किसके हैं हाइड्रोजन के और एक एटम किसका है ऑक्सीजन का तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज वन अब इसमें दो एटम्स हैं तो हाइड्रोजन टोटल मोलर मास में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है दो और ऑक्सीजन का एक एटम है तो एक का कितना है सिक्सटीन एटॉमिक मास है तो दो और सोलह कितने हो गए एटीन तो इस सवाल का सही ऑप्शन है बी एटीन ग्राम पर मोल इसमें जो मोलर मास है उसका यूनिट भी आ सकता है एग्जाम में तो यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम्स पर मोल क्वेश्चन नंबर सेवन है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ गैस टू तो अ लिक्विड कॉल्ड एज यू you नो know के मैटर के बेसिकली तीन टाइप्स हैं सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस क्या फिजिकल चेंजेस आती हैं सॉलिड्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड्स में और लिक्विड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं गैसेज में और ये रिवर्स भी हो सकता है अब एक सॉलिड है अगर उसको हम मेल्ट करेंगे तो उसको क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस अमल को हम क्या कहते हैं मेल्टिंग और जो लिक्विड है उसको जो गैसियस फार्म है अगर हीट करेंगे तो लिक्विड क्या हो जाएगा गैसियस फार्म या वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो उसको हम क्या कहते हैं बॉयलिंग अब ये क्या है एक रिवर्स अमल है गैसेस को हम क्या करते हैं लिक्विड में कन्वर्ट तो कंडेंसेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम किसी भी गैसेस को जब कूल डाउन करते हैं तो वो क्या लिक्विड बन जाती हैं तो इस सवाल का सही ऑप्शन है बी कंडेंसेशन नॉर्मली क्या होता है कि सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है देन गैस में कन्वर्ट होता है लेकिन एक ऐसा अमल है जिसमें क्या है सॉलिड डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं सब्लिमेशन तो अगर इस तरह सवाल आए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड टू अ गैस इज कॉल्ड तो उसका ऑप्शन क्या होगा सब्लिमेशन क्वेश्चन नंबर एट है व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट गोल्ड जो गोल्ड एलिमेंट है उसकी केमिकल सिंबल क्या है तो इस सवाल का सही ऑप्शन है ए एयू इज केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड एंड ए जी इज द केमिकल सिंबल फॉर सिल्वर एफ ई इज द केमिकल सिंबल फॉर आयरन और एच जी इज द केमिकल सिंबल फॉर मरकरी क्वेश्चन नंबर नाइन है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बेसिकली दो तरह के रिएक्शंस होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा कीमियाई अमल ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या एज ए रिजल्ट हीट आउट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ऐसा कीमियाई अमल या केमिकल रिएक्शन जिसमें हम हीट एज ए इनपुट देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर ऑप्शन ए पे गौर करें फोटोसेंथिसिस फोटोसेंथिसिस एक ऐसा अमल है जिसमें ग्रीन प्लांट या सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे अलगई ये क्या करते हैं लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में या ये अपना फूड बनाते हैं तो फोटोसेंथिसिस एक ऐसा अमल है जिसमें लाइट एज एनर्जी इनपुट होता है तो फोटोसेंथिसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बाकी ये जो दो ऑप्शन हैं रेस्पायरेशन एंड कम्बलशन They are exothermic reaction. अगर हम इस इक्वेशन पे गौर करें ग्लूकोस प्लस ऑक्सीजन मिलते हैं तो एज ए रिजल्ट क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी. तो ये इक्वेशन किसकी है रेस्पायरेशन तो इसका आउटपुट क्या है इनर्जी ए टीपी एडिनोट्राइफॉस्फेट तो so, रेस्पायरेशन क्या हुआ एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन हुआ और कंबस्टन में क्या होती है एज द रिजल्ट हमें हीट मिलती है तो so, इस सवाल का सही ऑप्शन होगा डी बोथ बी एंड सी क्वेश्चन नंबर टेन है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ मीथेन? मीथेन का केमिकल जो फार्मूला है दैट इज सी एच फोर ऑप्शन ए लीनियर बी ट्राइगोनल प्लेनर सी टेट्राहेड्रल बी ऑक्टाहेड्रल तो जो मीथेन की मॉलिकुलर जोमेट्री है मतलब उसके की शेप वो किस तरह है दैट इज टेट्रा हेड्रल अच्छा अच्छा एग्जाम्स में आपसे वाटर एच टू ओ के बारे में पूछ सकते हैं कि उसकी मालिकुलर ज्योमेट्री क्या है तो दैट इज बेंट और वी शेप क्वेश्चन नंबर इलेवन है कि व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके नाम से क्लियर है ये क्या है एक एसिड है और इसका केमिकल फार्मूला एच सी एल और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एन ए ओ एच ये क्या है एक बेस है अब आते हैं द जनरल इक्वेशन फॉर एन एसिड बेस रिएक्शन इज एसिड प्लस बेस पहले क्या एसिड को रखने इक्वेशन में बाद में बेस तो उनका रिजल्ट क्या बनता है सॉलिड प्लस वाटर ये आप जहन में रख लें कि जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो उनका रिजल्ट क्या होगा साल्ट नमक प्लस वाटर तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ये रिएक्ट करेंगे तो एज रिजल्ट क्या एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड जिसे कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट ये जो नमक हम खाते हैं या पकाने में काम आता है सोडियम क्लोराइड तो जो टेबल साल्ट कॉमन साल्ट उसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज एन ए सी एल और प्लस एच टू ओ वाटर अच्छा एक और सवाल आता है कि एसिड बेस रिएक्शन इज़ कॉल्ड एसिड-बेस रिएक्शन इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा क्या ए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है कि ऑफ़ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आइसोटोप अब आते हैं कि आइसोटोप क्या होता है यह मैंने अपने वीडियोस में कई बार बताया है कि आइसोटोप की डेफिनेशन क्या है आइसोटोप एक ऐसा एलिमेंट केमिकल एलिमेंट के वेरिएंट्स होते हैं जिसमें क्या सेम एटॉमिक नंबर होता है बट क्या मास नंबर डिफरेंट होता है आई रिपीट उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास क्या होता है वेरी करता है अब जैसे जो कार्बन है कार्बन का जो एटॉमिक मास है दैट इज ट्वेल्व नॉर्मली क्या है ट्वेल्व उसका जो फोर्टीन है अब कार्बन का एटॉमिक नंबर अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है सिक्स Normally, उसका जो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास तो ये उसका क्या है वेरिएंट अब एक ऐसा एलिमेंट कार्बन का जिसका एटॉमिक नंबर तो सिक्स है लेकिन एटॉमिक मास क्या है डिफरेंट तो उसको हम क्या कहेंगे आइसोटोप ऑफ कार्बन तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा सी सी फोर्टीन अब फोर्टीन रिप्रेजेंट्स इट्स एटॉमिक वेट ऑप्शन ए ऑक्सीजन है ऑप्शन बी वाटर एंड ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट के लिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन है कि डैश इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर नॉर्मली आपने जितने भी मेटल देखे होंगे दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर अब रूम टेम्परेचर क्या होता है स्टैंडर्ड ट्वेंटी राउंड अबाउट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड आपने गोल्ड, सिल्वर आयरन ये जितने भी मेटल्स हैं ये क्या इन सॉलिड फॉर्म होते हैं रूम टेम्परेचर में लेकिन एक ऐसा मेटल है दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर तो इस सवाल का सही ऑप्शन है मरकरी और उसका जो केमिकल सिंबल है दैट इज एच जी और जो एटॉमिक नंबर है मरकरी का दैट इज एट मरकरी से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि विच एलिमेंट इज नोन एज क्विक सिल्वर तो so मर्करी को हम क्या कहते हैं क्विक सिल्वर भी कहते हैं मरकरी इज आल्सो नोन एज क्विक सिल्वर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ग्रीन हाउस गैस क्वेश्चन नंबर वन में आई डिफाइंड व्हाट इज ए ग्रीन हाउस गैस तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन बी कार्बन मोनोऑक्साइड सी मीथेन डी ऑक्सीजन तो इस सवाल का सही ऑप्शन है सी मीथेन मीथेन क्या है एक ग्रीन हाउस गैस है डोंट बी कंफ्यूज विद कार्बन मोनोऑक्साइड सी ओ ये एग्जाम्स में इस तरह ऑप्शन दे देते हैं कि ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड है सीओ टू वो एक क्या है ग्रीन हाउस गैस है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है आई रिपीट कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस

I repeat, a a a catalyst is a substance that that increases the rate of chemical chemical reaction. So enzymes are biological catalysts that accelerate, increase, enhance chemical reactions. अब इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए ऑप्शन ए इंक्रीज टेम्परेचर इसका कोई वास्ता नहीं है इससे इंक्रीज प्रेशर ऑप्शन सी इंक्रीज रिएक्शन रेट तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा सी इन्जाइम्स आर बायोलॉजिकलिस्ट रेट इनक्रीज केमिकल रिएक्शन रेट सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो आई होप यू रियली एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो अगर इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जो भी सेकेंडरी स्कूल टीचर की तैयारी कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम पीपल मे गेट बेनिफिट फ्राम माई एफर्ट्स थैंक यू